अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं? मेरे को तुम सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बॉयज, पता है तेरा व्लॉग लेट आ रहा है, उसकी वजह बताता हूँ आपको क्या है। बड़ी बेसिक सी वजह है उसकी, उसकी बेसिक वजह है ये, देखें गर्मी। ओए होए होए होए, शाम के तकरीबन अभी 3:30 हो गए हैं, 3:30, लेकिन स्टिल गर्मी वैसे ही है। अभी मैं नहा गया हूँ, आपको लग रहा है मैं नहा गया हूँ? नहीं, सीने स्वेटिंग, ओए होए बुरे हाल। बस व्लॉग इसी वजह से नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, घर से बैठ जाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वेलकम बैक हो गया वहाँ से कहें, जिसने अभी तक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। जैसा कि लास्ट व्लॉग जहाँ पे हमने एंड किया था, आपको मैंने बताया था कि हमने अपनी लाल परी का ऑयल, जिसको मोबलाइल कहते हैं हमारी ज़ुबान में, उसको चेंज करवाना है। उसके अलावा उसको डिटेल करवाना है। सो बॉयज़ डिटेल तो नहीं करवा पाएंगे आज, क्योंकि शाम हो गई है। डिटेल करवाएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और आज हम इसका करवाएंगे ऑयल चेंज। और दूसरा एक और बड़ा मेन काम है, ये रिम्स आप बॉयज़ ने देखे होंगे, बहुत देर ऊपर से दिखाता हूँ। ये वाले, ये हमने बाय किए थे आज से काफ़ी टाइम पहले, और ये वैसे ही इधर पड़े हुए हैं। आज हम इनको भी उठाएंगे और इन्हें रंग करने के लिए देख के आएंगे, इन्हें हम कलर करवाएंगे कोई पप्पू सा, ताकि इनकी लुक निकले। इनको भी रंग करवाना है। उसके बाद ये हमारी खड़ी है जी, ये ऊपर साड़ी लेके बैठी हुई है जी, खड़ी है हमारी K24। इसके जो रिम्स हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इसी तरह रहने दें। ये स्मोक ब्लैक से कलर के पेंट हुए हैं, या इनका कलर चेंज करवाएं, अगर कलर चेंज करवाएं तो कौन सा करवाएं, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करना है। सो बॉयज इधर पड़े हुए हमारे बर्तन, और ये लाल, ओए होए होए, रात फिर इतनी ज़्यादा आंधी आई है ना यहाँ पे, कि हर चीज़ जो है पता नहीं कहाँ कहाँ पर डस्ट घुस गई है हमारे दोनों गाड़ियाँ। बुरे हाल यार, कोई बात नहीं, साफ़ करवाते हैं इसे आज, साफ़ करवाएंगे इसमें, इसका मोबलाइट चेंज करवाएंगे, और दूसरा जो है हम ये वाले जो रिम्स हैं इन्हें उठा के देख आएंगे पेंट करने के लिए। सो बॉयज़ मेरा प्लान है अंदर से इन्हें ऐसे ही ब्लैक रहने दूँ, और ये वाला जो इसका, ये जो इसका रिंग है ना साइड वाला, इसको हम वाइट पेंट करवाएँ, वाइट और ब्लैक में करवा के इसे फिर हम गुलाबों के ऊपर भी फिट कर सकेंगे, और इसके ऊपर भी फिट हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर ये वाले रिम भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला रिम हम गुलाबों पे लगाएं या इस पे लगाएं, और अगर इस पे हम यही रिम रहने दें तो इनका कलर कौन सा करवाएं, या इसका कलर यही रहने दें। बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी कन्फ्यूजन है, काम बहुत ज़्यादा है, और आगे मज़ीद ऑटो शो भी आने वाले हैं। सो बॉय उसकी अपडेट मैं आपको दे दूँगा जब वो पास आ जाएंगे, अभी कुछ डेज़ पड़े हैं ऑटो शो में। सो बॉय बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, चलते हैं जाके गाड़ी का काम शाम करवाते हैं। सबसे पहले तो रिम्स को उठा के गाड़ी में हम शिफ्ट करते हैं लाल परी में। सो बॉयज आज चलें। सो बॉयज जो रिम्स हैं वो हमने रख लिए अपनी लाल परी के अंदर, और चारों रिम्स ही जो इसके ट्रंक में वो आ गए हैं। ट्रंक को करते हैं जी बंद। चल बंद हो जा, हो जा, ट्रंक हो गया बंद। और लाल परी इतनी गंदी है यार, इसको ऐसे चलाने का दिल ही नहीं कर रहा। चलो खैर, इसको स्टार्ट करते हैं और बाइक निकालते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बॉयज अभी मैं बाइक निकला था, थोड़ा सा ड्राइव करके आया हूँ। ये पुराना एरिया है जहाँ पे हम रहते थे, वो वाला एरिया, ये वो गलियाँ हैं, वो गली जहाँ पे आपके भाई का बचपन गुजरा है, हमें नजर आई है CF। और इसको सेम जो थीम मैंने बनाया हुआ था, ऑरेंज और ब्लैक, उसमें इन्होंने ग्रीन और ब्लैक के साथ बनाया हुआ है। और इसको मेरे ख्याल से कोई 10.5 दे करीम डाले हुए हैं इन्होंने, बट अच्छी गाड़ी है, हर इंसान की गाड़ी अच्छी, इसने मेहनत की है, आपको अच्छी लगे ना लगे, बट नाइस। हम तो नहीं ना किसी गाड़ी को बुरा कह सकते। सो वैसे चलते हैं जी अब, और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आपके भाई ने एक नई वॉच बाय की है। कमेंट सेक्शन में बताओ वाइस, ये वॉच कहाँ पे देखी है आपने, किसने पहनी हुई थी ये वॉच? सो बॉयज वर्कशॉप पहुँच गए हैं, ये अदिल भाई एक नई गाड़ी लेके आए हैं, एक कराची से चला के लाया यार ये बंदा, 48 घंटे में इसकी हेड गैस की टूटी हुई है, हेड गैस की टूटी के ऊपर ही गाड़ी चला के, उसके ऊपर धुआं मारी पीछे से, उसके ऊपर ही गाड़ी जो चला के ले आए हैं। ये अपनी लाल पड़ी खड़ी है, पीछे आदल पे एक दूसरी गाड़ी खड़ी है CF। सो बॉयज इसका ऑयल चेंज निकालते हैं, और आदल भाई को देखें, 48 घंटे सोया नहीं है बंदा, फिर सुबह वर्कशॉप आ गया। ये है जी कराची से तोहफा, गिफ्ट ले के आयो कराची तो, हैं कराची से गिफ्ट लेके आयो? हाँ गिफ्ट लेके आया, बहुत लंबा सफ़र था। कितना लंबा सफ़र? 48 घंटे लगातार जाग हेड गैस की उड़ी गई, 600 किलोमीटर चलाई है हेड गैस किट के बगैर ही। चलाई कैसे ये भी बताओ? 20 किलोमीटर चलाते थे, पानी डालते थे, फिर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद गाड़ी हीटअप हो जाती थी, उसको दोबारा पानी डाल के ठंडा करके गेंद फिर सलह मार के चलो, फिर 20 किलोमीटर बाद ऐसे कराची से गाड़ी लेके आए बंदा, यार हिम्मत है। सो बॉयज जाते हैं, इसका ऑयल चेंज लेके आते हैं,
तो सारा इधर रोटी खाने गया, वो आ जाए फिर इसका ऑयल लेके आते हैं, इसमें चेंज करवाते हैं। फिर हो रहे हैं एयर फिल्टर, अगर तो ठीक हुआ तो वेल एंड गुड है, साफ़ करके लगा देंगे, नहीं तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। अंदर से बुरे हाल ही हैं गाड़ी के फिलहाल, डिटेलिंग करवाते हैं इसकी, फिर चमक जाएगी एकदम। उस्ताद जी आ गए हैं, गायब हुए थे हैं उस्ताद जी, लंगर खाने गए उस्ताद, लंगर खाने गए थे जी, ख़त्म पे हैं करके। इसका जो फिल्टर है वो भी ये हल्की वाले नट लगे होते हैं, वो पहले ओपन करने पड़ते हैं, फिर इसका एयर फिल्टर बाहर निकलेगा यहाँ से। निकला है पहले बाहर, फिर दिखाते हैं आपको। सुबह जो एयर फिल्टर है वो सही है, हवा वगैरह बजेगी, साफ़ हो जाएगा, इतना गंदा नहीं है, खुला ही साफ़ है अंदर से बिल्कुल। इसको ऐसा लगाते हैं हम नीचे से, इसको उठा के इसका निकालते हैं ऑयल फिल्टर, वो साथ लेके जाएंगे, साथ में फिर जाके इसका ऑयल लेके आते हैं, गाड़ी हो जाएगी टन टन। सुबह जी ऑयल लिया है मोबिल वन, ऑयल लिया हमने पंजाब फिल्टर हाउस से फैसलाबाद में। इस टाइम कुछ गिनी चुनी दुकान है जो अच्छा सामान बेचती है, उनमें से ये एक पंजाब फिल्टर हाउस अलारीडे में। किसने भी अगर कोई ऑयल फेल बाय करना हो अलारीडे के आसपास से, तो आप पंजाब फिल्टर हाउस से बाय कर लेकर बॉय, क्वालिटी बिल्कुल ओरिजिनल है इनकी और प्रोडक्ट भी अच्छी है। और ये शॉप है इसकी, ये शॉप है अलारीडा में, किसी से पूछ लो कि आप पंजाब फिल्टर हाउस पर जाना है वो बता देगा, काफ़ी फेमस है ये। तो बॉय 8 लीटर लिए हैं हमने, चाहिए हमें 6 लीटर, तो 2 लीटर हम रख लेंगे काफ़ी, क्योंकि इसकी कैन 4 लीटर की करती है, तो हमने 2 कैन बाइक की। चलते हैं बॉयज़ जाके अब इसका लगवाते हैं, इसमें ऑयल फिल्टर डलवाते हैं मर्सिडीज़ के अंदर। सो बॉयज़ गाड़ी छोड़ के वर्कशॉप की भी दिखाई नहीं, आदल भाई ले आए हैं यहाँ स्टेडियम फ्रूट चाट खिलाने के लिए, फ्रूट चाट खाने लगे हैं यहाँ पे। आदल भाई कुछ खास ही पसंद है फ्रूट चाट कितने करवाने के। चलो ठीक है, आगे व्लॉग में आप। ओके बॉयज, सो बॉयज डलने लगा जी इसमें मोबाइल मोबिल वन, 4 लीटर का एक कैन डालना है और 4 लीटर का दूसरा कैन है, उसमें से 2 लीटर डालना है, 6 लीटर डालना है, 2 लीटर हमारे पास इजाफी है। सो बॉयज ऑयल शॉयल चेंज हो गया, गाड़ी माशाल्लाह से एकदम स्मूथ हो गई है। एक दो आवाज़ें आती थी इसकी, वो फिल्टर वगैरह चेंज किया वो भी बंद हो गई हैं, गाड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ हो गई है, कोई मसला ना बने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाड़ी अपनी जो है वो ओके है, ऑयल शॉयल पूरा हो गया इसका। इजाफी जो 2 लीटर ऑयल है वो पीछे पड़ा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ेगी हमें फ्यूचर में किसी और गाड़ी में डाल लेंगे या इसमें डाल लेंगे, 1040 है, अपनी गुलाबों में भी डाल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो बॉयज़ चलते हैं जब राणा क्लीम के पास, अपने जो फ्रेंड है राणा साहब उनके पास, वहाँ पर जाके जो रिम्स हमारे पास पीछे पड़े हैं वो उन्हें देते हैं कि यार इन्हें रंग शंग करो और कोई पप्पू सा बनाओ। राणे से मैंने टायर इस दफ़ा रिम करवाना नहीं थे पेंट, उसकी वजह यह है कि थोड़ा बिजी बंदा है, उससे ना पेंट के लिए रिम दे देना, 2-3 दिन बाद मिलते हैं, तो मुझे था कोई बंदा जो क्विकली हमारे जो रिम है वो पेंट कर दे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन चलो खैर चलते हैं जाके उसको देते हैं, 2 दिन बाद भी मिल जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अब राणा साहब के पास जा रहे हैं हम, जाके वहाँ पे उनकी मुलाकात करवाते हैं आपसे भी। सो बॉयज़ इधर आए थे राणा साहब के पास, राणा साहब तो है नहीं, तो मैंने जो रिम है वो यहाँ पर रखवा दी हैं चारों। अब करना क्या है, या आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से ये सिल्वर है, इसको टूल लगेगा सारे को यहाँ पे, ये जो किनारी है सारी इसको टूल लगवाना है, और जो सेंटर वाला पीस है इसको हमने ग्लोसी ब्लैक में पेंट करवा लेना है, तो चारों रिम्स जो हैं ये हमारे पप्पू हो जाएंगे। मेरा प्लान था ये जो सारी लिप है इसको वाइट कलर करवाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार वाइट जो लगवा के ना फिर थोड़ा कलरफुल हो जाएंगे, तो इसको टूल लगवाते हैं नीचे, इसके ये टूल लगा हुआ है सिल्वर है नीचे से, फिर ये ऐसे चमकेंगे जैसे ये रिम चमक रहे हैं ऐसे, और सेंटर में जो है इसके एक ग्लोस ब्लैक हो जाएगा। राणा साहब को उन्हें फ़ोन करके समझा दिया है, अपनी लाल परी वो खड़ी है ये, चलते हैं जी। ओके मिलते हैं बॉयज़, ओके मिलते हैं जी आपसे 2 दिन के बाद, फिर आपको रिम्स दिखाते हैं 2 दिन बाद इनकी लुक कैसी निकलेगी। सो बॉयज़ ये सारी मार्केट है अलॉय रिम्स की और टायर्स वगैरह की लारीडा में, यहाँ से आपको हर गाड़ी का टायर मिल जाएगा, रिम्स वगैरह मिल जाएंगे, लोकल भी इम्पोर्टेड भी, इम्पोर्टेड काम ही है यहाँ पे, लोकल ही होते हैं ज़्यादातर ना। देखते हैं जी हाथ के हाथ देख लें, कोई काम नहीं किया उसके बावजूद हाथ गंदे हो जाते हैं। वर्कशॉप आ जाओ आप एक दफ़ा ना गाड़ी का काम करवाने के लिए, तो हाथ गंदे होने मस्ट है, पेंट भी सारी गंदी। चलो कोई बात नहीं, काम हो गया यही बहुत है। सो बॉयज़ अब करवाना है जी हमने लाल परी को वॉश, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जी इसका जो मोबाइल चेंज है वो आपको क्या कॉस्ट करता है। सो बॉयज़ जो ऑयल फिल्टर है इसका वो आया था 1300 रुपये का,
और जिसका मोबाइल है वो मिला है जी हमें 9800 समथिंग का 8 लीटर, लेकिन हमें 6 लीटर डालना था, 2 लीटर बच गए। सो ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 रुपया कॉस्ट करता है जी आपको मर्सिडीज़ का एक दफ़ा ऑयल जो रिप्लेसमेंट है वो 10,000 रुपया आपको कॉस्ट करती है। सो चलते हैं जाकर गाड़ी को देखते हैं, सर्विस स्टेशन कोई खुला हुआ है तो वहाँ से वॉश वगैरह करवाते हैं। बस जो गाड़ी है वो मैंने वॉश नहीं करवाई, उसकी वजह ये है कि मैंने जो डिटेलिंग वाला बंदा है उससे टाइम ले लिया था और वो बॉय कह रहा था कि आप वॉश ना भी करवाओ, ऐसे ही ले आओ, हम इसको डिटेल पॉलिश कर देंगे। तो मैंने कहा डिटेल पॉलिश के जब करवानी है तो हम क्यों बार बार पैसे लगाएं इसको वॉश करवाने पर, एक दफ़ा ही उसको पैसे देंगे और वो गाड़ी चमाचम कर देगा हमारी। सो बॉयज गाड़ी को मैंने वैसे ही पार्क कर दिया था अंदर, और जो इसका ऑयल है वो भी चेंज हो गया है, रिम्स वाला काम भी कम्प्लीट हो गया है। और यार जो वाकई में अच्छा ऑयल अगर आप गाड़ी में यूज़ करते हैं ना, गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको उसी टाइम क्विकली बताती है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ मेरे अंदर गई है। सो बॉयज हमने डाल ली अपनी गाड़ी के अंदर कौन सा ऑयल, पोयो ऑयल, तीसरे में तुम चौथे में गुम पोयो ऑयल। सो बॉयज अगर आपके पास भी कोई अच्छी गाड़ी है तो आप उसमें अच्छा ही ऑयल यूज़ करो, आप पैसे बचाने के चक्करों में, 1-2 हज़ार बचाने के चक्करों में। गाड़ी का जो इंजन है उसकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है जो अपना बैड ऑयल होता है, जो अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं होगा तो वो आपके जो इंजन है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो आप कोशिश किया करो कि 1-2 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा डाल के अच्छा ऑयल, अच्छी गाड़ी अगर आपकी आपने चलानी है पास रखनी है उसमें अच्छा ऑयल अच्छे ग्रेड का यूज़ करो, और कोशिश किया करो कि जो अच्छे जो बंदा ट्रस्टेड है, जो आपको पता है कि वेरीफाइड है, ये अच्छा ऑयल एक नंबर ऑयल बेचता है ओरिजिनल, उससे ही ऑयल बाई किया करो। सो बॉयज व्लॉग करते हैं ये पे एंड, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होंडा अकॉर्ड की मॉडिफिकेशन का बहुत बॉयज कह रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, वो क्यों नहीं मैं कह रहा, क्योंकि इस मर्सिडीज़ को पहले कंप्लीट करवाना है मैंने, इसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन ही होंगे क्योंकि आटे शो आगे आ रहा है, तो उस पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां हैं दो, तो उसमें से कोई भी ले जाएंगे, हमने इसको भी प्रॉपर तैयार कर लेना है, उसको भी तैयार कर लेना है। सो बॉयज स्टे ट्यून्ड रहना है, बड़ा अच्छा अच्छा आगे कॉन्टेंट आने वाला है, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, बाय बाय। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.